पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली शराब बनाकर बेचने वाले 7 आरोपियों को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया है। लाखों रुपए की कीमती नामी ग्रामी ब्रांडों की शराब पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों के पास शराब बनाने वाले उपकरण, नामी ब्रांडों के ढक्कन और बारकोड भी बरामद किए हैं। भारी मात्रा में शराब समेत 20 लाख रुपए की कीमत का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। शराब के साथ में क्या है पूरा? देखिए, आप सभी को जानकारी है, वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और निकट भविष्य में जनपद में लोकसभा के चुनाव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना सिविल लाइन और थाना मझोला और इसके अलावा हमारी जो एसओजी टीम है, इसको लगातार लगाया गया था कि कहीं पे सिटी में जो इलिसिट शराब है, जो कि डिनेचर्ड जो एल्कोहल से बनती है, वो कहीं ना बिक्री हो। इसी पर एक मुनाजिर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूटी पर करीब 12 बोतल जो ब्लेंडर स्प्राइट की मार्का की जो बोतल है उसको लेके कहीं बेचने जा रहा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि वो एक रविंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनका घर है कुशालपुर में, वहाँ पे ये लोग शराब बनाने का काम करते हैं और उसके बाद में आसपास के लोगों को ऑन डिमांड सप्लाई भी करते थे। कई जगह इन लोगों ने ये जानकारी मिली कि कुछ दुकानों पर भी इस चीज़ को सप्लाई किया है। जब इनसे पूरा डिटेल में पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि जगदीश और राम सिंह नाम के 2 भाई हैं, जो कि ये जो अल्कोहल है ये कहीं उत्तराखंड से किसी ढाबे से ट्रक के माध्यम से उतारते थे और उसके बाद में इनको लाके देते थे किसी गाड़ी से, और उसके बाद में ये लोग इसको खुशालपुर में जो रविंद्र का घर है वहाँ ले जाते थे और वहाँ पे अलग अलग मार्का की कई तरह के इनके पास में जो ब्रांड थे उनकी शराब बनाते थे। और इस सारी कार्रवाई में इनको संजय और उसका जो भतीजा प्रवेंद्र, ये बोतल और जो बार कोड और सील की व्यवस्था करता था, और जावेद और फैजान ये खाली बोतल और क्वार्टर और जो अड्डे हैं जो बिकते हैं जो दुकानों पे, जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वहाँ से खाली बोतल है उनको खरीद के और इनको प्रोवाइड कराते थे। इस तरीके से ये जो कारोबार है काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लोग कर रहे थे। और आज इनके पास से जो टोटल जो बरामदगी हुई है उसमें करीब 76 बोतल और 64 हाफ और 143 जो क्वार्टर बोतल है वो मिली है। इसके अलावा खाली बोतल मिली है इनके पास से 13, हाफ बोतल मिली है 30 और 71 इनके पास से क्वार्टर बोतल मिली है। विभिन्न मार्का के करीब 3,40,000 की सील लगाने वाले ढक्कन है, 2,12,000 बार कोड नई बोतलों के ढक्कन लगाए जाने वाला बार कोड इनके पास से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्लास्टिक का ड्रम 50 लीटर का मिला है जिसमें करीब 5 लीटर रसायन और एल्कोहल से भरा हुआ मिला था। लाल रंग की 3 जेरिकैन और 5 लीटर की मिली थी। मग प्लास्टिक का एक मिला है। इसके अलावा इनके पास से 2 लीटर जो प्लास्टिक की बोतल में जो अल्कोहल बनाने का जो डिनेचर्ड जो स्प्रिट है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और करीब 8 मोबाइल इनके पास से मिले, 1 स्कूटी मिली है। और ये जो सारी जो शराब बना रहे थे उसमें अलग अलग ब्रांड की शराब के जो बोटल्स थे उनका यूज कर रहे थे, जैसे ब्लेंडर स्प्राइट हो गया, रॉक फोर्ड हो गया, मैकडोनल्ड्स जो मैकडोल की ये नंबर 1 जो सोडा के नाम से और जो बोतल आती है क्वार्टर आते हैं ये इनके पास थे, राजधानी विस्की के नाम से बोतल बना रहे थे, रॉयल स्टैग के नाम से बना रहे थे, वाइट एंड ब्लू रॉयल स्टैग, इसके अलावा वाइट एंड ब्लू के जो हाफ और क्वार्टर ये बना रहे थे, रॉक फोर्ड के हाफ और क्वार्टर भी ये बना रहे थे। इस तरीके से कई ब्रांड की जो शराब है उनकी जो खाली बोतलों का उपयोग करते हुए और ये इलिसिट शराब का बनाने का काम कर रहे थे और इसको शहर में अलग अलग जगह पर ले जाके ऑन डिमांड ये लोग सप्लाई कर रहे थे। आज इस तरीके से टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति उसको मेडिकल कराया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और 4 लोग ऐसे थे जो कि मौके से भागने में सफल हुए जब ये सूचना मिली उनको, जब पकड़ने गए घर पे, तो उनका नाम प्रकाश में आ गया है, उनको भी उन पर इनाम किया जा रहा है, उनको भी जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा। तो टोटल जो आज लोग गिरफ्तार किए गए इसमें नाजीर उप साहिल है जो कि ये सिंहपुर सानी थाना नखासा जनपद संभल के रहने वाले हैं। दूसरे हैं संजय कुमार पुत्र विश्वनाथ सिंह, ये थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं। तीसरे परवेंद्र पुत्र राजकुमार, ये थाना नूरपुर जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। तीसरे तरुण सैनी पुत्र घनश्याम सैनी, ये डिप्टीगंज थाना नागपनी के रहने वाले हैं। और राम सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी निवाड़ खास थाना भगतपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो फैजुर रहमान और फैजान है ये असालतपुरा थाना गलसईद के रहने वाले हैं। जावेद है ये थाना मझोला के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये टोटल 7 लोग इसमें आज गिरफ्तार किए जा रहे हैं और बाकी जो 4 लोग हैं उन पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में हमारी जो थाना मझोला की टीम है, एसओजी की टीम है और सीओ सिविल लाइन और एसपी सिटी,
इन सब लोगों ने मिलकर काम किया था और काफ़ी एक ये बड़ा गैंग था जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था। काफ़ी बड़ी मात्रा में इनके पास से शराब की बरामदगी हुई। जो टोटल जो करीब इनकी जो कीमत है, बरामद शराब की कीमत है करीब 3 लाख रुपए, और जो बाकी जो इनके पास सामान मिला है वो करीब 15 लाख रुपए का है। तो कुल अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए की सामग्री इनके इन लोगों के पास से स्कूटी और मोटर सब सारी चीज़ें मिला के मिली है। और ये एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई, इसके लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। और आगे इसमें जो गैंग है, कहाँ से जो डीनेचर्ड जो स्प्रिट्स हैं इनसे लेते थे, किन ट्रक वालों से, कहाँ से, किस ढाबे से, इसके अलावा ये बार कोड और जो प्लास्टिक के ढक्कन से जो बोटल्स की सीलिंग के लिए जो काम आते थे, ये कहीं ये जानकारी मिली कि दिल्ली से इनके द्वारा लिया जा रहा था। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि इनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा ये लोग कहाँ कहाँ इस शराब को बेच रहे थे, इसके बारे में पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है। और जो यदि किसी दुकान पर भी बिक्री होगी, कोई लाइसेंस की दुकान पर बिक्री होगी, तो उसकी भी जानकारी की जा रही है। और बाकी कोई परचूने की दुकान या कहीं अन्य कहीं जगह से इन्होंने बेचने का काम किया होगा, तो उन सब पे हमारी जो टीम है वो आगे काम कर रही है और जो भी जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराएगी। सर, ये सभी लोग नए हैं और कुछ लोग इससे पहले भी जेल जा चुके हैं इस तरह के कारनामों में। जैसे कि ये जो राम सिंह है, इनके पहले भी पूर्व में मुकदमे रहे, आबकारी एक्ट के 62 और 72 के मुकदमे इनके पूर्व में रहे हैं। 272 का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा गया है। इसके अलावा बाकी जो तरुण सैनी है, ये भी पहले जेल में रहे हैं, और एक ये नाजी रूप साहिल हैं, ये भी पहले जेल जा चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं पहले से इस तरह के कई काम ये कर चुके हैं, और फिर से दोबारा चूँकि चुनाव है इसके मद्देनज़र इनको ये था कि समय ज़्यादा बिक्री होगी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ये काम था और इससे ऐसे लोगों की जान भी जा सकती थी जो कि ये समझ के शराब पीते थे कि ये दुकान से बनी हुई फैक्ट्री में शराब है जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। तो ये एक तरीके से काफ़ी खतरनाक काम ये लोग कर रहे थे, और हम लोग इस पर पूरी गैंग को जो इसको बस्ट करने का काम करेंगे और इन सबको सजा दिलाने का भी हम लोग काम करेंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।